तो गाइस देख सकते हो अभी हम लोग का सबका रेडी हो गया और हम लोग दोपहर का खाना में क्या खा रहे हैं, इडली। इडली तो सबको चार चार देते हैं। इडली डोसा या है, साउथ है ना, साउथ में ज्यादा खाता जाना, साउथ कोरियन साउथ। इडली डोसा सांबर वहाँ ज्यादा चलता है। उसके बाद हम लोग आके कहीं और जाने वाले हैं, बहुत परेशान है गाइस। और आप लोगों की थकते बोलते बोलते इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बच्चा बात वाइटी खाएगा क्या, वाइटी तुम खाएगा? क्या खुशबू है बादाम की चटनी में। गाइस तो गर्मा गर्म एक थाली इडली, कम से कम इसमें इडली है 25 हाँ 25 इडली है। तो गाइस आ जाइए हमारे घर गर्मा गर्म इडली दोपहर के टाइम। और देख सकते कितना लजीज बना हमारा इडली कैसे। तो गाइस हमारा चटनी बन चुका है, तो ये देखिए ठंडा हो गया, तो ठंडा हो गया आए दिख रहे हैं वाह। अब इसको हम लोग थोड़ा ढक देते हैं थोड़ी देर की। तो गाइस अच्छी तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा, तो देख सकते हो अभी हम इडली वाला से निकाली और हमारा पानी गर्म हो चुका है। तो चलिए हम लोग फटाफट पहले इस में ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल लगाने से क्या है ना कि हाँ चिपकेगा नहीं, देखिए मेरे बाबू को भी पता है चिपकेगा नहीं और अच्छी तरह से हमारा इडली बन जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लिए। आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके जरूर बताइए, हम पूछ के आए। तो इसको साइड रख देते हैं, एक तो तेल लगा लिए, अब इसमें हम लोग तेल लगा देते हैं। इडली जितना अच्छा बने उतना अच्छा लगता है। तो हम लोग चटनी में क्या बनाएंगे ये भी दिखाएंगे, हम अपना तरीका से बनाएंगे गाइस। आप लोग कैसे बनाते हो वो तो मुझे नहीं पता, तो तेल लगा लिए तो हटा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख सकते हो कितना अच्छा हमारा बटर बन गया है, अब इसमें हम लोग डालते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, आई होप कि अच्छा बने। एटली तू मेरा आवाज़ तो सुन रहा, कम से कम अच्छा बन जाना। चलिए इसको हम पहले ये वाला छोटा है कि ये वाला छोटा पता नहीं, इसको हम लोग रख देते साइड में ढक्कन के ऊपर। अब चलिए इसमें हम डालते हैं एक चम्मच का और ज़्यादा एक चम्मच ज़्यादा हो गया हाँ एक चम्मच हो गया हो गया हो गया ना। तो चलिए इसको हम लोग डालते हैं। अब ये लोग बड़ा है कि वो लोग बड़ा होता समझ में नहीं आया। तो आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर तरह से हम इसमें डाल चुके इडली वाले। तो चलिए आप सब बने रहे तब तक बनकर। तो गाइस देख सकते हो अभी हम बादाम भूल गए, अभी हम बादाम का चटनी बनाएंगे बहुत मस्त आपका, कैसे बनाएंगे कैसे आप लोग देखिएगा। तो ये हम कच्चा बादाम मंगाए थे दुकान से, तो अभी इसको हम फ्राई कर रहे हैं, भूल नहीं रहे। सो हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो गाइस मैं भी स्वस्थ मस्त हूँ लेकिन थोड़ा सा सैड हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सैड को अपने किनारे रखते हैं। अब सबके घर में तो परेशानी होते रहती है, मेरे घर में तो डेली होती रहती है। और दो दिन से बारिश हो रही, रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी थोड़ा बहुत बारिश रुका तो अभी हम जस्ट आए काम करके, चलो पानी में भीग भीग के गए थे काम करने और अभी बारिश छूट गया तो अभी हम लोग जस्ट घर आ गया। इतनी हो तो कल रात को लेटो बनाया था तो रानी खाली कर रही है। कल कैसे बना था रानी बता दो तो? अभी को तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा बासी बासी, पर हम लोग इतना ही बचा इतना एक एक दो दो चम्मच खाएंगे। खा लिया हम लोग काम के सब खा के खत्म हो गए और अभी हम लोग खा के हम लोग जाएंगे, फिर हम लोग कहीं जाना है। तो गाइस सबसे खुशखबरी बात बताएं आप लोगों, हम लोग के जमशेदपुर में कौन आया रानी? नरेंद्र मोदी सरकार आए हैं सुबह, क्योंकि यहाँ से तीन तो ट्रेन उद्घाटन हुआ है ना, तो रिबन काटने आए थे। और अभी यहाँ रीगल मैदान में यहाँ पे जमशेदपुर का वहाँ पे ये हो मतलब वहाँ भाषण देगा, तो हम लोग भी देखने भी जाएंगे और ऐसे भी देखने जाएंगे वैसे भी जाएंगे। तो सोच गाड़ी बंद है, हाँ टेम्पू सब बंद, मतलब यहाँ गोलपहाड़ी से जाने नहीं दे रहा हूँ। तो गाइस आज हम अपने घर पे फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली बार हम बना रहे हैं, हाँ फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली बार बना रहे हैं। ऐसे तो बनाए आंटी घर में लेकिन मेरे घर में नहीं बनाए हैं। तो देख सकते हो हम इडली वाले मेकर लेकर आए हैं, आंटी घर से मांग के लेकर आए कि आंटी दीजिए हम बनाएंगे, क्योंकि ये तो यही तो फ़ायदा है काम करने का, ही पे अगर ज़्यादा फ्रेंडशिप बन जाने से कितना अच्छा, जो भी मांगो दे मिल जाता है। मैं सोची क्या खरीदूँगी, इसे अच्छा मांग के लेके आ जाना चाहिए। हाँ बाद में खरीदेंगे, अभी नहीं बाद में खरीदेंगे।
तो उसके बाद अभी हम बनाएंगे इडली, और कल रात को चावल, उसना चावल और उड़द दाल भिगा दिए थे, तो हम सुबह सुबह ही भोर को मतलब सुबह सुबह आज 5 बजे पीस के रख दिए थे। तो चलिए हम पीस के रख दिए थे, दिखाते हैं कितना सारा हुआ है। देख सकते हो ये वाला है घोल, इसको क्या और पतला करेंगे हमको इतना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम कभी घोल बनाए नहीं थे ना, तो इसीलिए। तो इसको हम सुबह में ही पीस दिए थे कि हल्का खट्टा, और कितना अच्छा महक रहा, एकदम खट्टा खट्टा हल्का हल्का, क्योंकि इडली खट्टा हो तो मज़ा आ जाएगा, है ना। उसना चावल का बना रहे, और एक इनो है, ये देख सकते हो इनो डालेंगे, तो इनो डालेंगे इसलिए क्योंकि जल्दी बन जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग इनो डालते हैं और इसको फेंटते हैं, फट कर दिए नीचे नीचे। तो गाइस देख सकते हो इसमें बहुत मोटा हो गया, तो हल्का सा पानी डाल दिए। क्या बोला रहा, तो इनो है, तो चलिए इनो को हम लोग डालते हैं। क्या इनो, इनो। तो चलिए इसको अभी, इसको अभी हम लोग फेंटते हैं, फेंटेंगे तब जाके हमारा इडली बहुत अच्छा फूलेगा, एकदम फूला फूला बनेगा। इसमें हल्का सा सिर्फ नमक डाले हैं, क्योंकि थोड़ा तो साथ साथ इडली खाने का मन नहीं करता ना, तो इसलिए हम हल्का सा नमक डाल दिए हम। डोसा ही बन जाएगा ना? हाँ डोसा भी बन जाएगा, बना देखना ना प्लीज। पर हम लोग क्या नॉन स्टिक में तावा नहीं है ना, और हम लोग सांभर नहीं बनाएंगे, हम लोग चटनी बनाएंगे, बादाम का चटनी। इसको फेरते जाओ, फटते जाओ, फटते जाओ, फटते जाओ, फटते जाओ। देख सकते हो कितना मलाईदार है, ऐसे होना चाहिए देखिए। तो चलिए इसको हम लोग 2 मिनट छोड़ देते हैं ऐसे ही, इसको ढक देते हैं, और अभी चलिए हम लोग पहले इडली का पानी हम लोग डाल के इसको गर्म करते हैं। तो गाइस देख सकते हो अभी हमारा गैस को इग्नोर करना, क्योंकि अभी हमारा जस्ट गुलगुला बना था, तो अभी इडली बन के ये साफ़ हो जाएगा। और इधर चावल चढ़ा, और अभी इसको हम जस्ट धो के चढ़ा दिए, इसमें पानी डाल दिए, पानी तब तक गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें से निकला 2 बर्तन, ये 5-5, 10, एक बार में 10 इडली निकल जाएगा बड़ा बड़ा। तो चलिए देखते हैं इस पहला बार कैसा हमारा बनता है। तो गाइस देख सकते हो इतना पानी हमारा खौल गया, देखिए भाप। और इसको हम लोग पहली बार, वाओ, एक डल गया, अब हमारा दूसरा भी डाल देते हैं। खराब तो नहीं होगा? नहीं, अब इसको हम लोग अच्छी ढक देते हैं, क्या है ना, ढक देंगे तो अच्छी तरह पक जाएगा। तो देख लीजिएगा अच्छी तरह से ढका कि नहीं, तो हमारा पूरा अच्छी तरह से ढक गया, तब तक इसको बनने देता तब तक सब बने रहे। तो गाइस चलिए हम लोग चेक करते हैं, हम लोग को 10 मिनट के बाद हम आए इसके पास, तो देख सकते हो वाओ इडली हमारा हो गया रेडी। क्या 10 मिनट तक तो बन ही जाता है, तो चलिए इसको हम लोग घुसा के देखते हैं। तो देख सकते हो पूरा सूखा आया डंडा, फिर इधर भी करके देखते हैं, देख सकते। तो हमारा इडली हो गया रेडी, अब चलिए हम लोग कम आँच कर देते हैं और इसको अभी हम लोग निकालते हैं। तो गाइस देख सकते हो एक तो इडली निकाल लिए यहाँ से, पूरा 5 पीस निकाल लिए, अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं। और बताइए कितना तो बन गया होगा ना। तो देखिए कितना आराम से एकदम फटफट निकल जा रहा ना, ऐसा चम्मच घर पे ही बनाने का सब कुछ रहना से। घर में तो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हम लोग इतना सारा इडली बन गया। आइए गाइस हम लोग के घर पे इडली खाइए, और तिल्ली रहने को, तिल्ली हम रखे हैं। तो ये वाला जो इस साइड साइड में जो लटक गया था ना, तो इसको हम हटा के रख दे रहे हैं, ये लटके ना, मतलब कि इसको हम लोग खा लेंगे फ्राई करके। वीडियो कर रहे हैं हर, इसको थोड़ा नोच लेंगे। चलिए आप सब बने रहो तब तक, छिलका हटा देंगे, उसके बाद तो चटनी बनाएंगे। अब गाड़ा गाड़ी मतलब पानी पानी सबको खिलाएंगे। आप लोग भी क्या कभी मतलब हॉस्टेज में आप लोग क्या बादाम की चटनी बनाते हो, या चना दाल की चटनी बनाते हो, या नारियल की चटनी बनाते हो, या पोस्तू का चटनी बनाते, किसका चटनी बनाते हो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए हम तो फ्राई करें, और इधर बादाम फ्राई हो गया हमारा, उसको छुड़ाओ, उसके बाद फिर चटनी पी सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो इसमें हम लोग दिए हैं बादाम, लहसुन की कलियाँ 10-12, और 2 मिर्च दे दी है, इसको अभी हम लोग जा रहे पीसेंगे नहीं तो लाइट कट जाएगा।
तो गाइस तो देख सकते हो हम लोग का चटनी पूरा एकदम इतना ज़्यादा महीन हो जाता है मेरा मिक्सर में ना, अब क्या बोलेगा। तो देखिए हमारा चटनी रेडी हो गया और यहाँ पे हम लोग फोड़न डाले हैं, सरसों तेल डाले हैं और करिया पत्ता, मिर्चा और जीरा का छौंका, जीरा के नहीं सरसों का छौंका। तो चलिए छौंक लेते फटाफट क्योंकि इसमें खुशबू एब्जॉर्ब कर लेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट खाते हैं, प्लेट सब निकालते हैं हम लोग। और देखिए ये कटोरी सब भी चेट हो गया था, गिना चुना लग रहा है, इसको भी पता था। अल्लाह नहीं करना, हम लोग सांभर नहीं बना ना दीदी। नहीं हम लोग सांभर नहीं, सांभर से चटनी बना। हाँ चटनी से ही हम ऐसे ज्यादा खाते हैं हम तो। दो ठो बनाने से ना एक ठो वेस्ट हो जाता है, एक ठो मैं खाता हूँ। हम लोग दुकान से भी ऐसे व्हाइट वाला चटनी आता है वही खत्म हो जाता है, बाकी वो सांभर सब बच जाता है। सबसे ज्यादा सिंपल सांभर ही खाता चटनी। चलो तो गाइस देख सकते हो हमारा फैमिली कितना बड़ा हो गया अभी, पास तो होगा भी नहीं, खत्म। कम से कम और चार टूट गया था ना। चलो आज जाके टॉकिंग टू टॉकिंग ले पापा के, एक छोटा ले लेता दूसरे। हाँ ले लो।